हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका और स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम करारे और चटपटे जीरा आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये फटाफट बन जाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देख लेते हैं हमें इसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता है। ये मैंने आलू लिए हैं, आधा किलो के करीब आलू हैं ये। इन्हें मैंने उबालकर छीलकर ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, इतने बड़े। आप अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं इसको। ये मैंने एक चम्मच जीरा और तीन लाल मिर्च ली है। इसको हमें ड्राई रोस्ट कर इसका पाउडर बनाना है। आधा चम्मच के करीब हल्दी है, एक चम्मच जीरा है, दो हरी मिर्च हैं, इन्हें हमने इस तरह से काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है, नमक स्वाद अनुसार, और तेल, ये दो से तीन बड़े चम्मच हमें तेल चाहिए। मैं सरसों तेल यूज कर रही हूँ, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक पैन रख दिया हमने गर्म होने के लिए। इसमें हम अपना ये जीरा और मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये हमारा मिर्च और जीरा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये हमने दो से तीन बड़े चम्मच तेल ले लिया है कढ़ाई में। इसे हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये जो एक चम्मच जीरा हमने लिया था इसे डालेंगे। हमारा जीरा चटक जाए आज हम धीमी कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि हल्दी डालेंगे हम इसमें अब, और अगर हम तेज आंच में हल्दी डालेंगे तो वो एकदम से जल जाएगी। तो हम हल्दी डालेंगे और हल्दी डालने के एकदम बाद हमें आलू डाल देने हैं इसमें। हल्दी डालकर हम इसमें आलू डाल देंगे, इससे हमारी हल्दी जले नहीं। अब हम इसमें हरी मिर्च हमने जो काट के रखी थी उसको डाल देंगे, और ये हमने जो जीरा और साबुत लाल मिर्च को भूना था और दरदरा पीसा था, इस तरह का पीस लिया है हमने इसको, इसको भी हम अब इसमें डाल देते हैं। आंच हम अब मीडियम कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल लें, आप अपने स्वाद अनुसार। अब हम इसे धीमी आंच पर भूनने देंगे। हमें आंच मीडियम टू लो रखनी है। हमारे जीरा आलू अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक हल्की करारी सी परत आ गई है। तो हमारे जीरा आलू तैयार हैं। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं, गैस बंद कर देंगे। अगर आप थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसमें इस टाइम आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको ऐसे भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमारे करारे और चटपटे जीरा आलू बनकर तैयार हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।